कंपैरिजन लेकर आई हूँ दो सीरम का। एक मेरे पास है 24K गोल्ड सीरम और दूसरा मेरे पास है डॉक्टर रोशल का विटामिन सी सीरम। सबसे पहले मैं आपको गोल्ड सीरम के बारे में बताती हूँ। एक्चुअली ये गोल्ड सीरम मैंने बहुत सर्च करने के बाद अंदाज कलेक्शन से ऑर्डर किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेक भी आए हुए हैं। अब फेक की निशानी ये है कि इसमें जो क्रस्ट हैं ग्लिटर के, वो बहुत ज़्यादा हैं। अब इनमें आप देख रहे होंगे ये बहुत कम ग्लिटर है, जबकि और मैंने देखे उनमें बहुत ज़्यादा ग्लिटर है। जब वो आप फेस पर या अपने हैंड पर आप लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, जिससे बहुत अजीब सी लुक आती है। जबकि ये मुझे रियल मिला है काफ़ी रिसर्च करने के बाद, और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है और ये इसकी कंसिस्टेंसी भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसकी फ्रेग्रेंस वाकई बहुत अच्छी है और ये मैंने दोनों अंदाज कलेक्शन से ऑर्डर किए हैं, और आज मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन बताऊंगी। इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे 2 वीक्स हो चुके हैं, आप देख रहे होंगे बॉटल कम हो चुकी है। ये टोटल 120 ml की बॉटल थी जो कि इस वक्त कम है, क्योंकि ये मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आप इसको सुबह लगाएं, शाम लगाएं, यानी कि 2 टाइम्स आप लगा सकते हैं। मैं इसको फाउंडेशन में मिक्स करके भी लगाती हूँ। इसके मैं 2 ड्रॉप्स ले लेती हूँ अपनी फाउंडेशन में, और जब मैं फाउंडेशन में मिक्स करके लगाती हूँ तो उससे पैचेस नहीं बनते। अक्सर आपने देखा होगा ड्राई स्किन पर पैचेस बन जाते हैं, तो इसको जब मैं ऐड करती हूँ फाउंडेशन में तो मेरे फेस पर पैचेस नहीं बनते और काफ़ी टाइम तक मेरा फेस मॉइस्चराइज रहता है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए, थिक लिक्विड सी इसकी कंसिस्टेंसी है और इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है, बहुत लाइट सी इसकी फ्रेग्रेंस है। आप जब भी ये परचेज़ करें तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि ये फेक ना हो, रियल हो। और आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ हुआ है 24K गोल्ड सीरम, तो आप काइंडली जब भी इसको परचेज़ करें इसकी एक्सपायरी डेट और ये ज़रूर देख लीजिएगा। और इसकी फ्रेग्रेंस फ्रेश होनी चाहिए, जैसे रोज़ वाटर की होती है फ्रेश सी, इस तरह की इसकी फ्रेग्रेंस है, मॉइस्चराइज़र एसेंस है और मुझे ये बहुत पसंद है। और इसमें देख लीजिएगा ग्लिटर भी कम होना चाहिए, ये मुनासिब सा है ग्लिटर, जबकि यहाँ पर इतना शो नहीं हो रहा, लेकिन मेरी स्किन को ये बहुत मॉइस्चराइज रखता है और फ्रेश रखता है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। अब मैं आपको विटामिन सी सीरम के बारे में बताती हूँ। डॉक्टर रोशल का ये विटामिन सी सीरम फेस सीरम है और इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैंने इंटरनेट पर भी सर्च किया था, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स थे, लेकिन मुझे ये कम मैंने इसको इस्तेमाल किया है क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए नहीं, ये ऑयली स्किन के लिए है। ड्राई स्किन के लिए विटामिन सी रिकमेंडेड नहीं है। मैंने इसको जब इस्तेमाल किया है तो इसने मेरी स्किन को थोड़ा और ड्राई कर दिया, तो जिसकी ऑयली स्किन है या समर्स में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और फेस पर ऑयल रहता है, उनके लिए ये बेस्ट है। विटामिन सी जो है वो आपके फेस के निशानों को मिटाने में बहुत हेल्प करता है। सी सीरम मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगी जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी ड्राई स्किन है काइंडली वो इसको इस्तेमाल ना करें, उनकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और ड्राई होने की निशानी ये है कि आपके फेस पर एलर्जी या रेड पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे। विटामिन सी थोड़ा तेज़ होता है, वो रिएक्ट कर जाता है, तो काइंडली आप इसको जब भी इस्तेमाल करें ये ज़रूर देख लीजिएगा कि ये रियल हो। 50 ml की ये बॉटल है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जिनको ये सूट कर जाए उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी लिक्विड है, थिक लिक्विड है। वो 120 ml की बॉटल थी, ये खाली 50 ml की बॉटल है, ठीक है। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, दोनों ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। आप इनको थोड़ा सा फाउंडेशन में ऐड करके जब लगाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आपके फेस को मॉइस्चराइज रखेगा। लेकिन आप काइंडली ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके फेस को कौन सा सीरम सूट करता है। ये ऑयली स्किन के लिए है और ये कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, ये सबके लिए रिकमेंडेड है। विटामिन सी स्पेशल हो जाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी ऐड होता है, इसलिए इसको स्पेशल स्किन पर ही इस्तेमाल करना चाहिए।
इसकी बॉटल छोटी है, इसकी बॉटल बड़ी है और ये मैंने काफ़ी इस्तेमाल भी कर लिया है। मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है और आजकल ज़्यादा फेमस भी यही है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत से सीरम आए हैं, तो आप अपने फेस के मुताबिक ज़रूर देखिएगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको आगे भी रिव्यूज़ देती रहूँगी। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मैं डिफरेंट आइटम्स के रिव्यू देती रहूँ और आपको आपकी स्किन टाइप के बारे में भी बताती हूँ। जो आपकी स्किन टाइप होगी उसके मुताबिक मैं आपको अच्छे से सजेशन दे सकती हूँ। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।